सीमेंट पुट्टी आदि मंगाकर फर्जी चेक थमाने वाले दो लोगों को आज व्यापारियों ने सागर पुलिया के पास से पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। दिनेश थावरानी जी, क्या मामला हुआ था जो आप कोतवाली आए थे आज? आप लोग लक्ष्मी हार्डवेयर के प्रोपराइटर हैं। हम आज से दो महीने करीब पहले एक फ़ोन आया था कि हमें 40-50 बोरी की पुट्टी की ज़रूरत है, तो हमने उन्होंने जो जगह बताई सांची का एक पॉइंट बताया, उस पर हमने उसको भेज दिया वहाँ पे। हाँ। और उनका आदमी मिला कि यार मेरे पास कैश नहीं है, मैं चेक दे देता। उन्होंने हमें चेक दे दिया और हम चेक लेके आ गए। पुट्टी उन्होंने हमारे टूटे हुए मकान पर खाली करवा ली और थोड़ी देर बाद उनका एक ऑटो आया भोपाल से, वो भर के ले गया। ऐसा मेरा होने के बाद रघुवंशी ट्रेडर्स ने सागर पुलिया पे गजेंद्र रघुवंशी इनके साथ हुआ, किसान एंटरप्राइज वाले बख्शी जी उनके साथ हुआ, आप आए मुनी ट्रेडर्स इनके साथ भी हुआ, और एक गंज बासुदा से जैन साहब है मुकेश जैन उनके साथ भी हुआ। आज फिर उन्होंने अवधेश दुबे पेंट्स वाले हैं जो नीमताल पे, उनको फ़ोन किया था, सत्येंद्र सोनी को फ़ोन किया था कि आज जो है सत्येंद्र सोनी भी सीमेंट का उनका काम है सागर पुलिया पे, तो उन्होंने आज हमने फिर जाल बिछाया और उनको जो है वहाँ पे बुलवाया, और फिर इन ये ऑटो में बैठे थे, इनसे बराबर वो संपर्क में था, ये ऑटो वाला बन के गया था बराबर, यहाँ से एक ऑटो भर के भी ले गए सामान का वहाँ पे, फिर हमने उसको उतारा अभी, फिर वो लोग जब चेक देने आए तो उन लोगों को हमने पकड़ लिया। कितने लोग हैं? दो लोग हैं, उनके साथ एक गाड़ी भी है, एक ऑटो भी आया था, वो ऑटो फोर व्हीलर भी है सर, उनके पास बहुत बड़ा गिरोह है, एक बहुत बड़ा उनके गिरोह के साथ वो काम कर रहे हैं। 10-15 लोग अभी वो पकड़ा के आप लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, पहले सांची में किया फिर यहाँ लेके आए। नगर में कुछ दिनों से व्यापारियों के साथ में धोखाधड़ी करके सामान ले जाने की और दूसरे स्थान पे सामान बुलवा कर शहर के बाहर बुलवा कर सामान रखवाना एवं उनके आप पेमेंट नहीं करना, इस तरीके की कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। सांची तरफ में इस तरह की घटनाओं का काफ़ी ज़्यादा ये देखने में सांची तरफ देखने में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें घटनाएँ हो रही थी। इस संबंध में आज टीम एक गठित करके इस तरीके की धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पकड़ा गया है जो कि मूलतः भोपाल के निवासी हैं और प्रथम दृष्टया अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। सर क्या नाम है और मूलतः भोपाल में किस जगह के निवासी हैं? ये भोपाल में अलग अलग स्थानों पर रहने वाले हैं, अभी इनके नाम पता और सारी चीज़ों को वेरीफाई करेंगे और फिर एक टीम और भेजी जाएगी कि इनके द्वारा जो जो व्यापारियों से धोखाधड़ी की गई है उनके सामानों के बारे में पूछताछ की जाएगी। इसका मुख्य सरगना तक भी पहुंचने की कोशिश रहेगी पुलिस की? जी हाँ बिल्कुल, इस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी इन लोगों के।